राम राम पहुंचे भैया। और आप सभी जन्म था हमें राजेंद्र सिंह, आप देख रहे बुंदेली दर्पण। बुंदेली दर्पण की धूम अब क्या पहुंची है माया नगरी मुंबई में, जिसे हमारी टीम के राजीव शुक्ला जी ने करी कुछ खास कलाकारों से बात। भाभी जी घर पर हैं, सही पकड़े हैं, जो सीरियल तो आप सभी जन्म में देखे हुए। और ये सीरियल क्या अगर देखो है तो सक्सेना जी को किरदार भी आपके जहन में जरूर हुई है, जब उनके गाल में तमाचो पड़ा था और वे प्यार से कहते हैं आई लाइक इट। तो इन्हीं सक्सेना जी से करी हमारे राजीव शुक्ला जी ने खास बातचीत, तो देखो आप जा रोचक मुलाकात राजीव शुक्ला के साथ अपने आप बुंदेली चैनल बुंदेली दर्पण में। यहाँ भाभी जी घर पर है सेट पर, जो कि सक्सेना जी का रोल करते हैं सानिध्य वर्मा आज हमारे साथ है, मैं इनसे बात करूंगा। सर ये आपका जो रोल है बड़ा ही इंटरेस्टेड रोल है, आप थोड़ा इसके बारे में। हाँ ये रोल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें आम जनता से बहुत ही अच्छा कनेक्शन एक मैं बैठा पाता हूँ, क्योंकि सक्सेना का जो कैरेक्टर है वो आम जनता का प्रतिनिधित्व करता है, आम जनता की जो भावनाएं होती हैं उन भावनाओं को बहुत ज़्यादा वो दिल से महसूस करता है। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो जैसी सामाजिक स्थिति है हमारे देश में, तो आप लोग हर तरह की कठिनाइयों से आम आदमी गुजर रहे, तो हर स्थिति में हर नेगेटिव परिस्थिति में आम आदमी मुस्कुराता ही रहता है। अगर आप ध्यान दें, अगर ट्रेन के धक्के खा रहा है फिर भी मुस्कुराता रहता है, तो वही है कि भैया आम आदमी थप्पड़ खाता है फिर भी बोलता है आप ही को वोट देंगे जी आई लाइक इट। बिल्कुल, और उससे फायदा ये होता है कि जो क्षेत्रीय लोग हैं जो उस भाषा को बोलते हैं अपने घर में, वो लोग और बहुत अच्छे ढंग से जुड़ पाते हैं प्रोग्राम के साथ, क्योंकि जब आपके घर का कोई आदमी टेलीविज़न पे आके आप ही की ज़बान में बात करने लगे तो डेफिनेटली उससे ज़्यादा अच्छा एक कनेक्शन बैठ जाता है। तो इसलिए क्षेत्रीय भाषाओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होना चाहिए हमारे टेलीविज़न के कार्यक्रमों में, इससे एक बहुत ही प्यारा सा घर वाला माहौल पैदा होता है और ज़्यादा अपनापन लगता है। ये जो सेट बना हुआ भाभी जी घर पर, क्योंकि जो लैंग्वेज है बोली लैंग्वेज वो यूपी जैसी लगती है कानपुर की, तो आप क्या कानपुर से लोग करते हैं या आपको उस तरीके के ढाला गया रोल में आपको? हाँ मुझे उस रोल में ढाला गया है। मैं वैसे हमेशा ये कहता हूँ कि हम भारत से बिलोंग करते हैं, भारत माता की जय बोलिए और एक देश का नाम लीजिए, है ना, ज़्यादा प्रांतवाद में मत पड़िए, हैं बिहार कानपुर यूपी मध्य प्रदेश और तेलंगाना मत करिए, है ना, हम सब हिंदुस्तानी हैं और एक अच्छे हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे। इसके अलावा अभी और कोई सीरियल या फिल्म में काम करने वाले? हाँ मैं बहुत सारी फिल्मों में और वेब सीरीज़ में काम कर रहा हूँ। मेरा अभी एक अपहरण जो ऑल्ट बालाजी पे आया था उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का आईटी अवार्ड भी मिला और उसी का सेकेंड पार्ट आने वाला है अपहरण 2, तो वो एक कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे फिल्में कर रहा हूँ, कुछ बड़ी 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 फिल्में कर रहा हूँ, तो एक एक करके जैसे जैसे आएगा तो मैं आपको बता दूँ। आप हमारे देखने वालों को संदेश देना चाहेंगे? मैं आपको यही संदेश देना चाहूँगा कि 2020 में आप लोग बहुत ज़्यादा खुश रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके अपने आस पास सफाई बनाएँ, साफ सुथरा देश बनाएँ अपना और खुश रहें। तो ये तो सारी स्टूडियो से भाभी जी घर पर है से हमारे फिल्म सीरियल के रोल सक्सेना जी के साथ मैं राजीव शुक्ला आपका सभी बहुत बहुत धन्यवाद।